हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि फेस्टिवल सीज़न पास आने को है, तो क्यों ना हम घर में होममेड मिठाइयाँ बनाएं और उन मिठाइयों में जो रबड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रबड़ी यूं ही अकेले ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होती है। बट अगर हम रबड़ियों का खाने के अलावा कुछ मिठाइयों में भी अगर इसका उपयोग कर सकते हैं तो उसके कहने ही क्या। तो हम रबड़ी का प्रयोग रसमलाई में, आपकी घेवर में, और ऐसे खाली हम रबड़ी को आइसक्रीम के तौर पे, मतलब कुल्फ़ी के तौर पर भी हम इसको जमाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि आप एक रेसिपी सीखेंगे और इसका इस्तेमाल कम से कम 4 से 5 अच्छी मिठाइयों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही सिंपल रबड़ी बना सकते हैं तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रबड़ी बनाने की रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत है वो इस तरीके से है। रबड़ी बनाने के लिए हमें 1 किलो फुल क्रीम दूध की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पहले से ही। 1 किलो फुल क्रीम दूध लगेगा आपको, और लगभग 8 से 9 बादाम होंगे आपके, कुटी हुई मोटी इलायची, लगभग 4 इलायची मैंने कूट कर रखी हुई है, और एक छोटी बॉल का हमारे चीनी की लगेगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी के बाउल में थोड़ा सा चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, बट 1 कटोरी चीनी इसमें 1 किलो दूध के हिसाब से बहुत होती है, तो आप इसके अंदर डालेंगे। तो इन 3 चीज़ों से ही हम बहुत ही अच्छी रबड़ी बनाएंगे। तो चलिए हम रबड़ी बनाते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाई में दूध निकाल लिया है और रबड़ी बनाने के लिए इस दूध को मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक कि इसकी क्वांटिटी घट के हाफ नहीं हो जाती और ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और आपको इसको लगातार चलाना है ताकि ये तले पे लगने ना पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें कम से कम हो गया है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये अपना हाफ से भी कम हो गया है। तो ये हमारी रबड़ी बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल लेंगे अपना। और इसके अंदर मैं जो बादाम रखे थे उसको मैंने लंबे काट लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ। इसमें आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और नहीं चाहे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप डालना नहीं चाह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा चीनी जो हमारा है, हम इसके अंदर चीनी डाल लेंगे। और हम इसको चलाएंगे लगभग जब तक कि चीनी इसकी कम्प्लीटली घुल नहीं जाती है, तब तक 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे। चीनी डालने के बाद ये हल्की आपको पतली लगेगी, तो इसको हमें 1-2 मिनट तक और पकाना है। और ये अब हमारी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है, ये देख लीजिए। तो अब हम इसको ठंडा होने का इसका वेट करेंगे और इसको फिर हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसको गर्म भी खा सकते हैं, सर्दियों में हमें ये गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है, और नॉर्मल सीज़न में आप इसको ठंडा करके खा सकते हैं। फ्रिज में रख के इसमें आप दूध डाल के मटका कुल्फी बना सकते हैं, और आप इसे चाहें तो और अन्य मिठाइयों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी अब रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस रबड़ी को आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए और इस फेस्टिवल सीज़न में सबको इम्प्रेस कीजिए अपनी कुकिंग से, और बहुत सारी मिठाइयों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और कुल्फ़ी वगैरह के अलावा आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और रबड़ी या किसी और भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, नई रेसिपी होंगी, तब तक आप इस प्यारी सी और अच्छी सी और टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय।